रब दी तड़प पैदा हुई है ते जिवे हुण मैं इत्थों रेलवे स्टेशन जाना होवे ते मैनूं रस्ते दा ना पता होवे ते मैं किसे कोल पुछां भई मैनूं रस्ता दस, उह मैनूं दसदा है। पर मैं उसदे कोल पहले ये नहीं पुछदा तू हिंदू है कि नहीं, हिंदू है तां मैं पुछांगा उंज नहीं, सिख है तां मैं पुछांगा उंज नहीं, मुसलमान है तां मैं पुछांगा उंज नहीं। जमीन दे उत्ते जिहड़े रस्ते ने ते जमीन दे उत्ते बड़े अस्थानां नूं जांदे ने ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਬੜੇ ਸੰਕੀਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਦਿਮਾਗ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਹੈ, ਰਜ ਕੇ ਰਜ ਕੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਧਨਾਢ ਮੁਸਲਮਾਨ मेरे को आए, कहने गए असी थोड़ी कथा मस्जिद विच करानी है, करोगे? मैं कहा आपा करांगे ते ज्ञानी कल्याण सिंह कीर्तन भी करांगे, ए नाल सन मेरे। उदों हुण भी ठीक ने, गुरु दी मेहर है, जरा शरीर बहुत ठीक से इन्हां दा नाल साथी सन। ते कहने लगे ठीक है आपा कीर्तन करांगे, कवाली टाइप का कीर्तन करांगे, गुरु दे शब्द कवाली च गावांगे। संगीत दे बड़े माहिर, बड़े माहिर, बड़ियां 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 गड्डियां उन्हां दी आईयां सानू लैण वास्ते बड़ी शानो शौकत नाल, क्योंकि छोटी दा धनाट बंदा पहुंचे। मस्जिद दे बाहर पंडाल लाया दूरी ते, मैं कि तुसी ते कहा सी मस्जिद च कथा करनी है, मस्जिद च कीर्तन करना है, इन्ना पंडाल करते ही रहते करते ही रहते। कहन लगे मस्कीन जी क्या करें, हमारे जो मजहबी रहबार है ना वो साहिबान नहीं माने, नहीं माने, मैं मजबूर हूं, नहीं माने, मस्जिद में नहीं हो सकती, बाहर हो सकती। रब दी गल जे मस्जिद दे च नहीं हो सकती, परमात्मा दी गल जे मस्जिद दे च नहीं हो सकती, तो किधरे शराब खाने च होवेगी, किथे होवेगी, कड़ी जगह ते होवेगी। या ते सिद्ध करो गुरु नानक ने गल शैतान दी कीती है, भगवान दी नहीं, सारी खसम दी बाणी, खसम दी गल, परमात्मा दी गल। ते जे परमात्मा दी गल मस्जिद दे च नहीं हो सकती, फिर किथे होवेगी, फिर केड़ी जगह ते होवेगी। एक मैं उदाहरण देना, इन्होंने भी कीर्तन बाहर ही कीता, आपा कथा बाहर ही कीती, इस चक्कर च ना पैना। जो मनो दशा मनुख दी हजारां साल पहले सी, अज भी होई है, कोई फर्क मनुख दे च कोई फर्क नहीं पिया, कुछ भी फर्क नहीं पिया, ना उहदे काम दे च, ना उहदे क्रोध दे च, ना उहदे लोभ दे च, ना उहदे हंकार दे च, ना उहदे मोह दे च। जिवें हजारां साल पहले जीवदा सी उसे तरह जीवदा, कपड़े जरा बदल गए ने, मकान बदल गए ने, खान पान बदल गया है, मनुख ओही है, ओही लो, ओही करो, ओही लो, ओही हंकार। मकान बदले ए मनुख नहीं बदले, खान पान बदले ए मनुख नहीं बदले, इदे कपड़े बदल गए ने, मनुख नहीं बदलिया, ओही दा ओही है। बल्कि कुछ ते कहने ना उना नालों भी खराब हो गए, इतने कत्ल पहले नहीं होंदे सन जितने हुण होंदे, इतनी लूटमार पहले नहीं होंदी सी जितनी हुण होंदी। इस वास्ते सच्चाई खो गई है, खो गई है। बदकिस्मती है धर्म मंदिरां विच भी, धार्मिक सथलां विच भी धर्म दी पूरी गल नहीं। परमात्मा दे कोल जाना है साडी याद ने, इस तरह दी परमात्मा नूं खोजना है, की खोजना है, समझ दे चाह जाए, समझ दी खोज, अपनी समझ दी खोज,
परमात्मा की खोज है, अपनी याद का परमात्मा तक चले जाना, परमात्मा दे कोल जाना है। उन्हीं दे गल पकड़ दे चाहिए वे। हे प्रभु तेनु याद करन बैठना, प्रभुता याद आउंदी है, धन याद आउंदा है, कारोबार याद आउंदा है, बिल्कुल ठीक है। अब तो याद रफ्त गां की भी पहुंच नहीं, दोस्तों ने कितनी दूर बसाई है बस्तियां। ऐ मेरे दोस्त, तेरी बस्ती इतनी दूर है, इतनी दूर है, मेरी याद नहीं पहुंच रही, याद नहीं पहुंच रही, इस करके दूरी नित्य व्यापक है। अपनी समझ दी खोज परमात्मा दी खोज है, सिमृति का पहुंच जाना परमात्मा तक, परमात्मा तक पहुंचना है, वरना वो व्यापक है, व्यापक। पर उपरोक्त जिहड़े शब्द कहे जांदे ने, परमात्मा दे कोल जाना है, इनू मोटे रूप च ना लेना। परमात्मा दी खोज करनी है, इनू किधरे बैरूनी रूप च ना लेना, व्यापक है। अपनी समझ दी खोज परमात्मा दी खोज है। हर परयो स्वामी के द्यारे दीजे बुद्ध विवेक, सामत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें हराम। अपनी मत दी खोज, अपनी समझ दी खोज परमात्मा की खोज है। अपनी सिमरती का परमात्मा तक चले जाना, ये परमात्मा दे कोल जाना है। जिहड़े खोजी ने और दसा दिशावां दे खोजदे, हर जगह खोजदे, खोज खोज के जो उन्हां नूं मिलदा है बिरहा, बिछोड़ा। ते बिछोड़े का कम है तड़पाना ते रुलाना। रोंदा है संसार भी, परिवार दे विछोड़े च, कारोबार दे विछोड़े च, धन संपदा दे विछोड़े च, कौन नहीं रोंदा, सब रोंदे। बादी रोवे ना है बतार, नानक दुखिया सब संसार, सारे ही रोंदे, सब रोंदे। सुकरात ते कहिंदा है, मेरा अनुभव कहिंदा, इंज लिखदा है कि सत्ता समुद्रां दे च वी इतना पानी नहीं है जितना पानी अज तक मनुख दी अखां च वग चुके है। उह तेंज कहिंदे ने, इन्ना अरबां खरबां सालां दे च मनुख जितना रोया है, जितना रोया है, कहिंदे इहदे सामने ते सत सागर भी कुछ भी नहीं। कौन नहीं रोंदा, रोंदे ने परिवार दे विछोड़े च, रोंदे ने कारोबार दे विछोड़े च, रोंदे ने धन संपदा दे विछोड़े च। ते रोना उल्टा हिरदे नू बोझल करदा है, तन मन नू रोगी करदा है। जिस दिन सत्संग करदिया करदिया प्रभाव अदृश्य दा पै गया, अदृश्य दा पाव प्रभाव पैगा गुणा नू सुन सुन के। बड़ा दयालु है, निर्वैर है, समृष्ट है, ओ अथा ज्ञान दा खजाना है, वो शक्ति दा सोमा है, वो सुहपन दा केंद्र है, वो प्यार दी मूर्ति है। इस तरह दे गुण सुनदिया सुनदिया जिहड़ा उस अदृश्य तो प्रभावित हो गया, कि पहचान की होवेगी, उहदे अंदर बिरहा पैदा हो जाए, यह चाहीदा हुण, ते मैनूं चाहीदा। इहनूं कहिंदे ने बिरहा, विछोड़ा। ਇਹ ਵੀ ਛੋੜਾ ਤਰਪਾਏਗਾ, ਰੁਲਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਖੋਏ ਹੋਏ, अपने ख्यालों की दुनिया च खोया, चहल कदमी कर रहे। कन्नां विच हौकियां दी आवाज पई, एकदम सतगुरु दंग रह गए हैं। इस वक्त हौके और बड़ी गहराई चो निकलते ने, हौके विछोड़े चो निकलते ने, उंजे नहीं निकलते। भी मैच कुछ बिछड़े, कुछ चला गया,
जो चाहिदा सी ते जिस नाल बड़ा प्यार सी नहीं रहा। ये तड़पावेगा रुलावेगा इस तो पहले होके निकलण। जिधर होके आ रहे सन पादशाह उधर चले गए। गौर नाल देखदे ने कि अंधेरी रात विच भी सतगुरु पहचान गए। इत्थे नंद लाल बैठा है इस समय इत्थे चौकड़ा मार के और होके भर सतगुरु की आभा। किसने नंद लाल नु भी प्रभावित किया और सोचदे ने कोई मेरे कोल खड़ा है। अखां खोलियां शायर सन बैरों बा आमद आम है मन चूजे खाबे नाथ सदताना में जनद बैरुए आप ताबे सुबह। इस सवेरे दा सूरज रात नु शायर ने शायराना अंदाज देच कहंदे सूरज ते सवेरे निकल रहा या सूरज नाल सवेर आउंदी है। ते अद्धी रात नु रात सवेर दा सूरज एने ही बोलने एने शायर ने कवि ने बैरों बा आमद आम है मन चूजे खाबे नाज सदताना नी जनद बैरुए आप ताबे सवा। ते रात नु जेड़ा सूरज चढ़े है ते उस सूरज ते लखां लान पा रहे है जेदे नाल दिन होंदा है होंदा होवेगा दिन। नंद लाल कहंदे ने मेरी जिंदगी दी रात नु कदी ओ दिन विच नहीं बदल सके रात ही बनी रही मेरे अंदर ते अंधेरा बनिया रहा। ये सूरज उस सूरज नु लखां लानतां पांदा है। सदताना नहीं जनत बैरुए आफताबे सुबह रात नु सूरज खड़े हो गए। नंद लाल हाथ जोड़ के सजदा करके महाराज कहंदे ने मैनू दसेगा नंद लाल के आसमान मैनू काला क्यों दिखाई दे रहा है काला। हुण मसिया दी रात होवे ते अद्धी रात होवे ते आसमान ते काला ही दिखाई दे रहा। रमज दे बोल प्रश्न के काला क्यों दिखाई दे रहा है। अगों भी रमजी बंदे ने कहन महाराज मैं कवि हां शायर हां थोड़ा सेवक हां सिख हां मैं विज्ञानक नहीं हां साइंटिस्ट नहीं हां। ये कालक क्यों दिखाई देती है। मैं प्राकृतिक खोजी नहीं हां विज्ञानक नहीं हां साइंटिस्ट नहीं हां एक अदना सेवक थोड़ा ते शायर। महाराज कहने ने तू कबूल कर रहा है शायर है शायर है शायर दी कल्पना होती है शायर दा तखयल होता है शायर ख्यालां दी दुनिया जींदा है कल्पनावां दी दुनिया जींदा है शुद्ध कल्पनावां चंगे ख्याल। चल तू अपने तखयल नाल दस आसमान काला क्यों दिखाई दे रहा है मैनू शायर ते हैं तू कबूल कर ले कवि ते हैं तेरी कल्पना की आग दी है तेरा तखयल की आग लै। भाई साहब दसदे ने रंगश कबूल कर दिले अज पुर सुरार साख अज बस के दूदे आहे मन अज आसमां गुजस्त। ए मेरे पातशाह ये हिरदा जद परमात्मा लई तड़पे तड़पे बिरहा।